गाइस कैसे हो आप लोग। मैं गाइस गुड मॉर्निंग। गाइस कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस कैसे हो आप लोग। हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग। हे गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग। हां जी क्या हाल कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग। हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग। हेलो एवरीवन क्या हाल चाल। तो गाइस यार आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ना भाई आपके ने एक साल कंप्लीट कर लिया यूट्यूब पे। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि यार व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से सारा कुछ होने लगा है। ऐसा ही प्यार बनाए रखो अपने दिल में अपने भाई के लिए। सही में यार जब मैंने शुरू किया था ना यूट्यूब तब मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा यार, इतना ज़्यादा प्यार करोगे आप लोग मुझे भी और मैं एक साल में इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लूँगा। सच में यार ये आप लोगों के बिना इम्पॉसिबल था। सच में यार जब शुरू में व्यूज़ नहीं आते थे ना तो दिल करता था यार इसको क्यूट करूँ कुछ और चीज़ पे फोकस करता हूँ, लेकिन नहीं कहीं ना कहीं दिमाग में यही चलता था कि नहीं यार कि क्यों यार मैं क्यों नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं लगा रहा और आप लोगों के प्यार की वजह से आपके भाई ने आज एक साल कंप्लीट कर लिया है। ऐसे स्पोर्ट बनाए रखें यार एक साल क्या है अभी कई साल और निकलने आगे ऐसे ही। तो इस खुशी के मौके पर मैं आज आपके साथ जब मैं शुरू में ब्लॉगिंग करने लगा था वो सारी की सारी ब्लॉगिंग की कुछ खास खास क्लिप वो सारी की सारी आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। आज के इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है यार सच में। तो अभी से लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो चलिए फिर लेट्स गो। यहाँ भी आप दर्शन कर लीजिए। शायद क्यों हो गए आपको रंग नहीं दे रहे कोई नहीं दे रहे कोई भी। चलो मैं देता हूँ आ जाओ आओ चलो चलो चलो। और इसको कलर दो कोई इसको इसके हैंड में कलर दो हैंड में हाँ आपने कलर लगाया। अरे अरे मेरा हनुमान सस्ता माल सस्ता माल। ये देखिए एकदम परियों की तरह। इनसे भी पूछ लो बाकियों से भी पूछ लो जो आपको कैसी दोस्तों कैसी लग रही हूँ मैं दोस्तों में कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना। बोल कमेंट करके जरूर ना अब बोल दोबारा से देखा आपने मेहुल पूरी सज के बैठी है एकदम परियों की तरह। तो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना है आपने। तो आज की इस वीडियो को करते हैं समाप्त हो करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो तक के लिए आइए ठीक है टाटा चलो टाटा कर दो सबको टाटा खा लेता हूँ मैं। ये देखिए ये देखिए अभी चिली चिकन बन रहा है इसके बाद बनेगा राहत चिकन। अभी इसको बनने देते हैं उसके बाद में तेल उसके बाद बनेगा राहत चिकन। तो अभी इसको ढक देते हैं हम जल्दी से। ये देखिए गाइस चिली चिकन बनके रेडी है और ऊपर से क्या ही सजा के रखा है यार। सही सही बताना सीधे बात ऑसम सही है ना।
मैंने भी खाया यार प्लीज भाई आप टेस्ट करो जरा। वाह यार बहुत लाजवाब है। क्या बात है, दिल खुश हो गया यार ये बात सुन के कसम से। देखो मेहुल वगैरह ने तो पेंटिंग करके रखी हुई है मेहुल की पेंटिंग। अभी चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे रूम में। अभी हम किचन बना रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप तो बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ये देखिए जो भी रूम खाली हुए हैं उनका सामान यहाँ पे है, कुछ इसी रूम का सामान यहाँ पे है। बहुत सारे ट्रंक पेटियाँ यहाँ पे रखी हुई है। देखते हैं सबसे पहले कौन खाता है। मक्खियां भी बहुत सारी है तो ऐसा ना हो कि अंडे के साथ साथ देखे तो मक्खियां भी खा जाएं हम साथ ही। और साथ में मेरे मेहुल। कौन मेहुल? नमस्ते, कैसे दोस्तों? सारे दोस्त आपके सही है तो अभी चलें फार्म में। तो ये वाला जो देखिए आप, और क्या करने लग गई मेहुल? क्या हुआ, अखरोट निकाल रही? ऐसे ही नहीं आते, अभी कच्चे हैं ये। लेकिन चलो आप बोल रहे हो तो ये लो खा लो एक। अरे अरे तो गाय यार सबसे अच्छा तो मुझे ये वाला लगा, बाकी भी अच्छे हैं लेकिन सबसे अच्छा ये देखो आप जरा। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है भाई, सबसे ये वाला अच्छा। रवि भाई को, ये भी रवि है इनका नाम भी, तो रवि भाई को ये अच्छा लग रहा है। और मनोज भाई को कौन सा अच्छा लग रहा है भाई, सोच के बताओ सोच के। अच्छे है फिलहाल तो सारे ही, सारे अच्छे। सबसे बढ़िया कौन सा है? कौन सा, ये वाला? अच्छा हाँ ये वाला है। टोपी टापी पहन के, ये देखिए जरा ब्राजील की टोपी पहन रखी है बंदे ने। अभी यार गाइज यहाँ पे ये मैंने बकरियां छोड़ दी है तो ये देखिए यहाँ पे ये अपना चारा चर रही है। इनकी मजे की बात ये है कि ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाती है, मतलब जहाँ पे एक होगी वहीं पे दूसरी होगी। तो मैंने एक को बांध के रखा है और दूसरी को खुला छोड़ दिया उस वाली को। तो ये देखिए गाइज यार ये रही हमारी सामने मार्केट जिसका नाम है भरमौर। और यहाँ पे ये लोगो बना है एक आई लव भरमौर का जो कि काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा काम लगा मुझे एक ये। अभी यार गाइज हम लोग बाल वगैरह कट करवा के आ गए हैं तो आप बताइए किसका अच्छा है। मैं चाचा का तो बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे। नहीं नहीं भाई तेरा बेकार है। ओ तेरा नहीं मेरा बना हुआ है। ना भाई मैंने ड्रायर नहीं मरवाया, आपने ड्रायर मरवाया इसलिए आपके सेट लग रहे हैं। मैं जल वगैरह लगाऊंगा तो सेट हो जाएंगे मेरे। ऐसे ही है, नहीं सही है, ये पब्लिक को पता है, पब्लिक बताएगी कि किसका सही लग रहा है। ठीक है इनके लिए आज हम लगाएंगे जुगाड़ कुछ, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। गाइस देखा आपने कितने सारे सेब नीचे गिरे पड़े हैं, तो अभी मैंने क्या सोचा है कि इनके लिए भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ये बैग वगैरह ले आया हूँ मैं थैले, इनको बिल्कुल टॉप पे ऊपर बांध देंगे, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। सारे फटेंगे भाई धीरे धीरे, सारे फटेंगे। तो अजू भाई लग गई मोमबत्तियाँ? बस भाई लो जी, मुश्किल हो रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, हवा लगी है ना यहाँ पे, हवा बहुत चल रही है वही तो। थ्री टू वन, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रवि, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सारा खा लो भाई। थैंक यू थोड़ा सा तो बनता है बस भाई, बस 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 बहुत है बहुत है बहुत है इतना। अजी थोड़ी क्रीम बनती है भाई, थोड़ी क्या बोलूं भाई, ये ले भाई ज्यादा लगा दो। और मनु मेरे को मत लगाना यार, आ जा इधर, हाल कर दिया। केक उठा के फेंक दे, उठा के फेंक दे पूरा, थोड़ा सा हो गया भैया। ओके तो अभी यार गाइज हम लोग केक वगैरह कट करके बैठे हैं और खा लिया जितना खाना था, और भाई ने यहाँ पे लगा दिया यार, वेस्ट नहीं जाने देंगे हम, है ना। निकले वो
है टेस्टी वैसे यार, पाइन एप्पल फ्लेवर। लास्ट लेबल है भाई, लास्ट लेबल हर कुछ। गाइस हम लोग करते हैं अब खाना शुरू, तो चेस सबसे पहले। चेस। ये मेरा भांजा आदि यही पेंट कर रहा है। इसने तो यहाँ पे मतलब पेंट कम किया है, और यहाँ पे इसने ये देखो छीटे छीटे लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे खलारा देखो आप तो मतलब हर कुछ लास्ट लेवल है। और एक पेंटर यहाँ पे ये पेंट कर रहा है टकला मेरा मुशेर। हेलो मुशेर जी। हेलो पेंटर जी। अरे भाई देख तो लो। हाँ जी भैया। पूरा नजारा आ रहा है आप मतलब हर कुछ, हर कुछ फिल्टर ये अच्छा नहीं लग रहा ना। क्यों जरा भी अच्छा नहीं है क्या? अच्छा नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है अच्छा। एक ये भांजा और शिवांश, ये भाई अभी डंबल मार रहा है। क्या कर रहा है शिवांश? शिवी क्या कर रहा है पुत्र? इधर तो देखो, इधर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और गाइस यार इन लोगों को देखो, मतलब एक घंटा हो गया है यहीं पे लगे हैं इसी दरवाजे में ये दोनों। पहले ये भाई तो मतलब बांह लगा था, और अभी यहाँ पे देखो इन्हें यार कब से मतलब यहीं पे लगे हुए हैं। और चलिए अब भाई से पूछते हैं, मनु से कैसी बनी चाय? सही में बोलना यार भाई, शक्कर का मैं सुना। पूरी डाली से भाई झूठ बोल रहा है। ऊपर भाई ने बोला अच्छी है। बैंस लो लड़ दो। भाई ने बोला अच्छी है चाय, देखो भाई से पूछ लो, उन भाई से पूछ लो। नहीं मेरी शक्कर भाई कैसी है भाई? बात करें यहाँ से तो काफी ज्यादा औसम वाला व्यू है, एकदम दिल को सुकून मिलने वाला, दिल को खुश करने वाला। अरे भरे देखें आप तो जरा, क्या ही बात। ओ यार क्या ये मनु को देखो यार। अभी यार गाइस बहुत सारा काम करने के बाद लगी है भूख, और खाने में बने थे भाई बोगरू और साथ में चाय, तो मैं ले आया चाय और बोगरू। तो अभी इनका खाने का मजा लेते हैं, बोगरू और चाय खाने में मतलब चाय पकौड़ा ऐसा कुछ टेस्ट आ रहता है इनका, जो कि हर कुछ लास्ट फ्लेवर रहता है। तो अभी चलिए खाने का मजा लेते हैं। को बोलते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बन रही है दाम, कुछ इस तरह से बनती है दाम इन बड़े बड़े बर्तनों में। और कुछ बुलटोई इनको बोलते हैं हम, इन ये जो बर्तन है इनको बोलते हैं हम बुलटोई अपनी लैंग्वेज में। तो ये रखी हुई है अभी, और बाकी ये रखी है इनमें सभी में भी दालें बनेगी। आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे बना हुआ हूँ भाई जोगी। हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि जो भी कोई दूल्हा बनता है उसे एक बार सहरा लगाने से पहले जोगी का रूप धारण करना पड़ता है। मैंने भी अभी वही किया है, आप मुझे देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से। और ये आसपास जो खड़े हैं इनमें से कुछ भाभियाँ हैं जो कि जोगी के झोली से पैसे जो है वो छीनती है। जोगी की पूरी झोली है ये, आप देख पा रहे होंगे इसमें पैसे हैं। ये इन भाभियों का फर्ज होता है कि इन्हें छीनना। इसे तो कौन नहीं जानता, हर कोई बच्चा बच्चा जानता है। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर दिया था इसने मुझे जब ये हार लेके आया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि ये मुझे इतना बड़ा हार लेके आएगा। सेम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। सेम है बस, मुझे समझ नहीं आ रही थी कुछ भी इस टाइम। अच्छा सारे देखना चाहते हैं आपको एक बार। अच्छा मुँह तो दिखा दो, अच्छा मुँह से तो बोल दो कुछ है। अच्छा दूसरे रूम में रखी है, और साथ में आया है रवि भी। तो रवि का जो कमरा है अब मुझे लग रहा है पहले ठंडा था अब गर्म हो रहा है। सबसे पहले तो भाई शादी की बहुत बहुत मुबारक है भाई। थैंक यू। कितनी बार मुबारक दोगे यार? और मैं भाई मतलब सच बताऊं तो लड़के की शादी करने से पहले जो चेहरा था और आज की डेट में जो चेहरा है भाई काफी बदल चुका है, चमक आ गई है भाई। बस अभी आपकी भाभी पूरा ख्याल रख रही है ना, ये भी है। तो
टोटल जो सब्जियां हैं आपको मैं जरा दिखाऊं तो मतलब मजा ही आ गया यार, सही में बोलूं। यहाँ पे देखो आप तो दुकान ही लगी है मेरी तो सब्जियों की, काफी ज्यादा अच्छी बनी है। इतना मैंने सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है, मुझे पता नहीं था कि इतनी ज्यादा टेस्टी बनेगी सही में। मेरे को तो ये लो जी असली है, असली है। तो ये जो आप फूल देख पा रहे हो उस टाइम नहीं लगे थे ये आगे तक, और यहाँ पे ये टंकी भी नहीं रखी थी उस टाइम हमने, तो अभी ये टंकी भी लगा दी है। बाहर से कुछ इस तरह का ये दिखता है घर, कैसा नहीं ये देखिए ये वाला है ना। तो अभी यहाँ पे आप ये देखिए मैंने ये सेब तोड़ा है, पूरा रेड तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा रेड है। यहाँ पे ये देखिए इसको रख देते हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा ये रेड होना शुरू हो गया है। और आना पैदल पैदल यहाँ पे देखो, जैसे ही कैमरा करता ना इसकी तरफ तो ये घूंघट नीचे कर लेती है, ये नहीं आने वाली। और यहाँ पे देखिए आप तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव सी चीज़ें बना के रखी हुई है इन्होंने एक, और यहाँ पे एक ये स्विमिंग पूल सा हल्का सा